रहे हैं हिंदी, हिंदी में पढ़ रहे हैं आप वाक्य। वाक्य क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। किसी विचार को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेंगे, क्या है, मैं भागते भागते थक गया। इसमें बहुत सारे शब्द हैं और इनका एक जो पूरा समूह है उसको मिलाकर एक वाक्य बन गया कि मैं भागते भागते थक गया। ठीक है, चलिए अब हम फिर इसके बाद देखेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका साधारण वाक्य, फिर है आपका संयुक्त वाक्य और नेक्स्ट है आपका मिश्रित वाक्य। देख लेते हैं साधारण वाक्य कौन से होते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, श्रेया गेंद खेल रही है, ये आपके साधारण वाक्य है। इसकी डेफिनेशन कैसे है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे कैसे है साधारण वाक्य, तो इसकी डेफिनेशन है इन वाक्यों में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, करने वाला भी एक ही है उसको, मतलब काम भी एक ही है उसको करने वाला भी एक ही। चलिए नेक्स्ट आपका संयुक्त वाक्य, ये कौन से होते हैं। दो या दो शब्दों से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, कैसे, पर, किंतु, और, या, जब ये शब्द आ जाते हैं बीच में आदि से जुड़ जाते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं और ये होते हैं आपके चार प्रकार। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं क्या होता है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। दो शब्द हो गए अलग अलग लेकिन ये जुड़ गए इसलिए से, ठीक है ना, इसलिए से जुड़ गए। फिर दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं आप। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, ये भी जुड़ गया एक शब्द। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर से जुड़ गए तुम ना आए, ये हो जाते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट चलते हैं हम, और संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं, तो देख लो आप। पहला तो संयोजक, नेक्स्ट आपका विभाजक, थर्ड आपका विकल्प सूचक और फोर्थ आपका परिणाम। चलिए फिर चलते हैं आप थर्ड नंबर पे, मिश्रित वाक्य। अब ये कौन से वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य जो है, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब एक तो आपका मुख्य हो गया, मुख्य वर्ड जो हो गया वाक्य, और दूसरा आश्रित यानी कि उसके जुड़ा, उससे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर आश्रित जो है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है, तो इसमें मुख्य वाक्य आपका हो गया मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और उससे जो नेक्स्ट दूसरा जो जुड़ा हुआ वाक्य है वह है आपका यह साइकिल मेरी है, यह आपका आश्रित वाक्य होगा। तो आपको समझ में आ गया वाक्य के भेद। ओके, थैंक यू।